वी आर द एक्चुअल पैट्रियोटिक. वी एस डी पी आई इज नॉट फॉर कैरियर, वी आर हियर फॉर द कॉज. गुलबर्गा नॉर्थ, रहीम पटेल. कि हिंदुस्तान की जनता एक्चुअली क्या चाहती है? क्या वो ये चाहती है कि सलाखों के पीछे रहे? क्या वो ये चाहती है कि जिंदा जला दिए जाए? क्या लिंचिंग और मर्डर यही हमारी न्यूज होनी चाहिए? मेन मुद्दा वही है, करप्शन के खिलाफ और डेवलपमेंट के बारे में, ये दो पॉइंट में हम लोग भी कर. दिस वीडियो प्रेजेंट बाय रायदान मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स, अरेबियन, टर्किश, मिडिल ईस्ट, ग्रैंड इंटीरियर, जेन्युइन स्पाइसेस, हाइजीनिक किचन. एड्रेस टीपू सुल्तान चौक, रिंग रोड, गुलबर्ग. फासिज्म को रोकना और उसके साथ साथ सामाजिक इंसाफ के लिए काम करने वाला एक पॉलिटिक्स को कायम करना, ये एजेंडा रख के अभी हम लोग इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट किया है. अभी सेकंड लिस्ट डिक्लेयर कर रहे और बाकी जगह के बारे में भी डिस्कशन चल रहा है, बाद में वो भी डिक्लेयर होगा. इस इलेक्शन में SDPI, BJP और कांग्रेस, JDS सभी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, उनके पॉलिटिक्स के खिलाफ कैंपेन करेंगे, क्योंकि ये सभी पॉलिटिकल पार्टियां, BJP तो एक साइड सब कुछ कर रहे हैं, दूसरी साइड या मैनेज करने में भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाए. इसलिए अच्छी तरह कैंपेन करके, ये सभी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कैंपेन करके हमारे इलेक्शन कैंपेन भी हम लोग स्टार्ट किया है. आज ये कैंडिडेट लिस्ट अभी हम लोग सेकंड लिस्ट यहाँ पे अनाउंस करेंगे. मडिकेरी की कैंडिडेट अमीन मोहसिन, रायचूर सईद इशाक हुसैन, तेरदल यमुनप्पा गुणदाल, मोडिगिरी अंगड़े चंद्रु, बिजापुरा अताउल्ला दाक्षी, मैंगलोर उल्लाल रियास परंगीपेट, गुलबर्गा नॉर्थ रहीम पटेल, पुत्तूर शफी बेल्लारे, हुबली ईस्ट डॉक्टर विजय एम गुंड्राल. नौ असेंबली सीट की कैंडिडेट को डिक्लेयर किया है. फील्ड पे उतरना है, हमारा काम लड़ना है. ये जो फाइट है डेमोक्रेसी में, ये फाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम मानते हैं कि इंडिया जो कि एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उस डेमोक्रेसी की जो पिलर्स हैं उनमें से एक सबसे बड़ा पिलर है अपोजिशन पार्टी. एंड एट प्रेजेंट इन इंडिया SDPI इज प्लेइंग दैट रोल ऑफ अपोजिशन, ऑनेस्टली स्पीकिंग. ठीक है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि जो पावर का मिसयूज इस वक्त हो रहा है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसके ऊपर कोई चेक कोई बैलेंस नहीं है. वो काम इस वक्त SDPI कर रही है. हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि हमारा रिजल्ट क्या होगा, हमें इस बात से ज़्यादा सरोकार है कि हम कितने पैट्रियोटिक हैं, हमें इस मुल्क का कितना कंसर्न है. उस फिक्र के तहत हम अपने कैंडिडेट्स उतार रहे हैं, क्योंकि हम इस मासूम जनता को जो जुल्म अभी इस वक्त सह रही है, हर तरह का जुल्म सह रही है, चाहे वो पॉलिटिकल सियासत में भी जुल्म हो रहा है, सोशली तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से माशरे में लोग जो है वो पीड़ित किए जा रहे हैं, पड़ारित किए जा रहे हैं, प्लस इसके अलावा इकोनॉमिकली भी, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, जिस तरीके से इस वक्त हिंदुस्तान की जनता सफर हो रही है, हम ऐसे में अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम आज अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं. सो वी आर द एक्चुअल पैट्रियोटिक. वी SDPI इज नॉट फॉर कैरियर, वी आर हियर फॉर द कॉज. ये आज का लीडरशिप समिट जो था वो इस बात का सबूत है कि हम आज यहाँ मिलके अपने लीडर्स को ना सिर्फ मोटिवेट कर रहे हैं, बल्कि हम इस बात की फिक्र कर रहे हैं और ये सोच रखते हैं कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स जो है वो आम जनता को किधर लेके जाएगी. क्योंकि सियासत जो होती है वो डेमोक्रेसी में एक रीढ़ की हड्डी की तरह होती है. अच्छी सियासत लोगों को प्रोग्रेस देती है और मुल्क को डेवलप करती है. ये प्रोग्रेस, ये डेवलप हम समझते हैं कि 2014 से कतई ख़त्म हो गई है. तो अपनी उसी जिम्मेदारी को समझते हुए हम आज इलेक्शंस में उतर रहे हैं. हमें उम्मीद है कि हमने काम किया है तो जनता हमें ज़रूर सपोर्ट करेगी. और इसके अलावा, सपोर्ट के अलावा भी हम जो एक माशरे में अच्छा पैगाम दे सकते हैं, अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस, मैं समझती हूँ आज एक वक्त की रोटी ना मिले मगर पॉलिटिकल अवेयरनेस होना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अवर एग्जिस्टेंस. देखिए, एक बात सुनिए, मैंने आपको वैसे सारे जवाब एक साथ दे दिए हैं. जाहिर सी बात है कि JDS हो या कांग्रेस हो या कोई भी और रीजनल पार्टी हो, वो प्योरली पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मगर मैंने अभी आपको क्या कहा, हमारी पॉलिटिक्स एक कॉज के लिए है। वो क्या कॉज है? सोशल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, क्योंकि हमारा नाम ही है डेमोक्रेटिक सोशल पार्टी, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम सिर्फ ये नहीं चाह रहे हैं कि हम पॉलिटिक्स में अपना कोई करियर बनाएंगे, बल्कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारी पॉलिटिक्स अब ये डायरेक्शन तय करे कि हिंदुस्तान की जनता एक्चुअली क्या चाहती है। क्या वो ये चाहती है कि सलाखों के पीछे रहें? क्या वो ये चाहती है कि जिंदा जला दिए जाएं? क्या लिंचिंग और मर्डर यही हमारी न्यूज होनी चाहिए, या इसके अलावा हम कुछ प्रोग्रेस और डेवलपमेंट चाहते हैं? तो हमारा मकसद क्लियर है, इलेक्शन में उतरना, इलेक्शन लड़ना, सियासत में एज ए पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को स्टैब्लिश करना, और जाहिर सी बात है जब हम पावर का हिस्सा बनेंगे तो हम सोशल जस्टिस के लिए काम कर सकेंगे। पहले जैसे नहीं है, अभी हमारे पार्टी आइडियोलॉजी सभी के पास गया है, सभी को हमारे आइडियोलॉजी की मैसेज पहुंचा है, और हम लोग किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं सबको समझ में आया है। इसमें दलित, मुसलमान, क्रिश्चियन और बाकी माइनॉरिटी सभी की एजेंडे को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं, सारे एजेंडे को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। सिर्फ माइनॉरिटी एजेंडा, सिर्फ दलित एजेंडा, ऐसा नहीं है। देश में जो भी एजेंडा है, ये सभी एजेंडे को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। और कर्नाटका इलेक्शन के टाइम में हम लोग यहाँ पे एक मैनिफेस्टो डिक्लेयर करेंगे, इसमें कर्नाटका के सभी एजेंडे को हम लोग एड्रेस करेंगे। उसमें क्या क्या है हमारे पार्टी इसके राय इसमें क्या है, ये सभी एड्रेस करेंगे। हम लोग करप्शन के खिलाफ, मेन मुद्दा वही होगा करप्शन के खिलाफ और डेवलपमेंट के बारे में, ये दो पॉइंट में हम लोग भी कर